हेलो दोस्तों, मैं जयंत यादव आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जयंत एक्सप्लोरर में स्वागत करता हूं। सो आज आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं बस्तर दशहरे का बहुत ही अच्छा एक विजयदशमी का रस्म दिखाने के लिए लेके आया हूं, जहां दुनिया और देश में एक तरफ अलग तरीके से दशहरा बनाया जाता है रावण दहन करके, लेकिन बस्तर में यूनिक तरीके से दशहरा बनाया जाता है, जहाँ पे आज विजय रथ चलाया जाएगा। लगभग 8 चक्कों का ये रथ होता है, विशाल का रथ पूरे शहर में भ्रमण कराया जाएगा और उसके बाद उसको दंतेश्वरी मंदिर के पास लाके रखा जाएगा। तो आज के बस्तर दशहरा में इस चीज़ को यहाँ पे भीतर रहनी बोला जाता है। भीतर रहनी का बहुत सारा रस्म सुबह से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी हम शाम को कवर कर रहे हैं, तो पूरा रथ परिक्रमा करके राजमहल के सामने लाके खड़ा किया जाता है। रथ को जब दंतेश्वरी मंदिर के सामने जब लाके राजमहल के सामने रख लिया जाता है, उसके बाद रात में एक रथ को चोरी करके कुंभरागौड़ करके एक जगह होता है, वहाँ पे लेके जाया जाता है ग्रामीणों के द्वारा। और उसके बाद आगे का जो बनता है रस्म जो बनता है वो नेक्स्ट डे बाहर रैनी में बनता है। तो आज भीतर रैनी में इस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरीके से रथ खींचा जाएगा, पूरा 8 चक्कों का विशाल का रथ। तो बने रहे इस वीडियो में, अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहे और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। है राजमहल, जहाँ पे अभी कार्यक्रम चल रहा है, अंदर में अभी राजा जी बैठे हैं और वहाँ पे कुछ डांस प्रोग्राम वगैरह चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इस कारण से अभी दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ फुटेजेस हमने ले लिया है। नाश्ता पानी तो हो गया, तो कितने देर तक का हो गया इंतजाम? 10 बजे तक का पूरा इंतजाम हो गया है, एनर्जी आ गया है हमारे अंदर। रात का पूरा भी सेटअप चल रहा है। ये है वो विशाल का रथ, 8 चक्कों वाला रथ। अभी इसका पूरा तैयारी चल रहा है, पूरा रेडी होने के बाद इसको खींचा जाएगा। तो पूरा सेट है, अभी रथ पूरा रेडी हो रहा है। अभी क्या चल रहा है भाई? पूजा पाठ चल रहा है, पाठ चल रहा है, उसके बाद रथ आधा एक घंटा में शुरू हो जाएगा। हाँ, आधा घंटा मुश्किल से बचा है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ जितना पब्लिक दिख रहा है अभी कोई नहीं दिखेगा, और आज तो अपना भाई भी खींचने वाला है रथ, है ना? हमारा नहीं खींचेगा आज? नहीं, हमारा आज किसका है? आज बास्ताना और कोड़ीनार वाले का। बास्ताना और कोड़ीनार के एरिया वाले लोगों के लिए आज रथ खींचने का दिन है। हाँ, स्पेशली उन्हीं लोग का ही है। तो अभी कुछ देर में यहाँ पे जितना भी क्राउड दिख रहा है सब ऐसा भागेंगे, जो मजा आएगा उसके बाद। बाहर हो रहा है बारिश और हम रुके हुए हैं, रथ के अंदर में छुपे हुए हैं बारिश से बचने के लिए। देखो हमारे दोस्त को, ये पुराना वाला रथ है जो पहले चला करता था। ये बारिश के कारण सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। किस छत के नीचे? रथ के नीचे। गोंचा रथ है ना पप्पो? और तो जगह नहीं है, देख रहे हो रथ के नीचे छुप रहे हैं बारिश होने के कारण।
है, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे हैं, तो उन्हीं के भीड़ का हिस्सा बनते हुए हम भी जा रहे हैं। क्या हो रहा था? जैसे देखा कि रथ को खींच के दंतेश्वरी मंदिर के सामने लेके आ गए, राजमहल के सामने, और वहाँ से माता जी का छत्र को वापस ले गए मंदिर में। और उसके बाद जो आगे का जो रस्म है चोरी करने का, जो रथ चोरी करने का, तो वो वहाँ से रथ को चोरी करके कुंभड़ा कोट करके एक जगह है जहाँ पे रथ को ले जाया गया। और कल राजा जी पूरा सम्मान के साथ जाएंगे और आदिवासियों को मनाएंगे, उनके साथ नवाखानी का रस्म को अदा करेंगे और रथ को वापस लेके आएंगे। तो उस जो कार्यक्रम है उसको बाहर रहने का रस्म कहा जाएगा। आज ये जो रस्म हुआ ये भीतर रहने का रस्म था, पूरा भीतर रहने रस्म का ही हिस्सा था। सो दोस्तों, आज का हमारा ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आप सभी को कैसा लगा जरूर बताना, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, बेल आइकन को दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।